ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ ऋषि और आप देख रहे हैं बॉन्टे इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या ये शेयर आने वाले समय में माना माल करके देगा? चलिए जानते हैं कौन सा स्टॉक है, क्या इसके फंडामेंटल है, क्या इसके टेक्निकल लेवल है। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एवरेज क्वालिटी का यह स्टॉक है, एवरेज क्वालिटी बाय मैनेजमेंट रिस्क ग्रोथ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इसकी सेल्स ग्रोथ देख लीजिए 9.52, आप इसमें EBIT ग्रोथ देख लीजिए 9.34, आप इसमें नेट डेट टू इक्विटी रेशियो देख लीजिए नेगेटिव नेट डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि एक अच्छी बात है। अब हम इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे हाल फिलहाल ट्रेड कर रहा है। जो भी वैल्यू 867 से 1225 के बीच में होगी ये इसको एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे डालेगा। आप इसमें पी रेशियो देख लीजिए 26.33, आप इसमें ईवी टू ईबिटा रेशियो देख लीजिए 41.55, आप इसमें आरओसी देख लीजिए 16.93, आप इसमें आरओई देख लीजिए 13.08। अब हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट होता है। तो आप इसमें नेट सेल्स देख लीजिए, जिसमें 0.39% की अपसाइड हमें देखने को मिली है। आप इसमें नेट प्रॉफिट देख लीजिए, जिसमें 28.30% की डाउनसाइड देखने को मिली है। आप इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए, जिसमें 3.05% की एक अपसाइड हमें देखने को मिली है। अब हम इस कंपनी के एनुअल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि एक ईयर टू ईयर रिजल्ट होता है। तो आप इसमें नेट सेल्स देख लीजिए 15.47% की एक बढ़िया सी अपसाइड हमें देखने को मिली है। आप इसमें नेट प्रॉफिट देख लीजिए, जिसमें 34.96% की एक बढ़िया सी अपसाइड हमें देखने को मिली है। आप इसमें क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए, जिसमें भी 3.66% की एक अपसाइड हमें देखने को मिली है। तो रिजल्ट से हमें यह पता चलता है कि क्वार्टरली रिजल्ट क्या है कि अच्छे हैं, मतलब इतने अच्छे नहीं है क्योंकि उसमें डाउन साइड है, लेकिन जो एनुअल रिजल्ट है वो अच्छे है। तो मतलब क्या है कि एक अच्छा स्टॉक नहीं है और बुरा भी स्टॉक नहीं है, मतलब एक मीडियम साइज का स्टॉक है। ना तो उसे अच्छा बोल सकते हैं ना तो उसे बुरा बोल सकते हैं। अब हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। प्रमोटर के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है। आप इसमें FIIs की होल्डिंग देख लीजिए, 30.7% की होल्डिंग FIIs के पास है। म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग देख लीजिए, 23.98% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। अगर क्या है कि प्रमोटर के पास होल्डिंग नहीं है तो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग भी जीरो ही होगी। अब तक हम बात कर रहे थे MCX के बारे में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में, स्मॉल कैप स्टॉक है, डिविडेंड भी पे किया, मतलब लास्ट टाइम इसने डिविडेंड पे किया लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। और क्या है कि प्राइवेट हाउस है, मतलब प्राइवेट कंपनी है। तो ये क्या है कि इसका रिव्यू मैं आपने क्या है कि टेक्निकल के बाद दूंगा, ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए तो वो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं टेक्निकल लेवल क्या कहते हैं। अब हम आ चुके हैं MCX के चार्ट के ऊपर। तो आपको क्या है कि हाल फिलहाल में ये डाउन साइड देखने को मिली है, बाद में ये फिर से अप जाने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब मैं इसकी क्या है कि लॉन्ग टर्म अगर सपोर्ट लाइन निकालूँ तो ये है जो ये नीचे, मतलब ये जो है ना ये इसकी लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन है। और क्या है कि अभी के लिए जो सपोर्ट लाइन चाहिए मेरे को, तो अगर वो निकालूँ तो ये है। तो ये दोनों क्या है, इसकी सपोर्ट लाइन है। हाल फिलहाल में थोड़े दिन पहले ये इसकी सपोर्ट लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो इसकी क्या है कि हॉरिजॉन्टल जो मोस्ट क्या है कि अच्छी सी रेजिस्टेंस लाइन की तरह वर्क कर रही थी वो ये थी, मतलब आगे उसने सपोर्ट लिया था, इस बार इधर रेजिस्टेंस भी लिया। और हाल फिलहाल में क्या है कि ये अपसाइड जाते हैं उसको ब्रेक करके अपर निकल चुका, मतलब देखो इधर एक बार सपोर्ट लिया था, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार इधर रेजिस्टेंस लिया था। तो मोस्ट प्रोबेबली था कि दो दिन पहले ये जो क्या है कि इधर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा सकता था, लेकिन इसने ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो मतलब उसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन अब कौन सी है, 1085 रुपीज़ की इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन, मतलब वहाँ ये रेजिस्टेंस ले सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा कि लेगा ही, ले सकता है। अगर नहीं लेगा तो इसकी तरह ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। तो मतलब इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन आपको पता लगे, हाँ इधर से ऊपर से नीचे आएगा तो ये जो इसकी आगे की ये रेजिस्टेंस लाइन थी जिसने अभी ब्रेक किया वो आगे सपोर्ट भी बन सकता है। तो अभी इसके ऊपर मेरा व्यू क्या है, तो इसके ऊपर मेरा व्यू है क्योंकि ये जिस क्या है कि इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, उस इंडस्ट्री में आपको बहुत सारे अच्छे स्टॉक और भी मिल सकते हैं इस वैल्यूएशन पे। देखो पहले तो ये क्या है कि एक अच्छी कंपनी नहीं है जो दूसरे है, पहला तो ये स्मॉल कैप कंपनी है। तो आपको क्या है कि एक लार्ज क्या है मिड कैप में अच्छी वाली हो जो वो मिल सकती है इस भाव में, मतलब भाव में, मतलब ऐसा नहीं कि 900 या 1000 के आसपास, मतलब वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको इस वैल्यूएशन में दूसरी अच्छी कंपनी मिल सकती है
इसलिए क्या है कि मेरा MCX पे व्यू क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में नहीं ऐड करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को दूसरी अच्छी कंपनी मिल रही है इसी सेक्टर में, इससे अच्छी, इसीलिए। हाँ, अगर आप क्या है कि शॉर्ट टर्म वगैरह के लिए ले रहे हो तो आप ले सकते हो अभी के लिए, अभी जिस प्राइस पे वहीं पे भी ले सकते हो या नीचे आने के बाद भी ले सकते हो। तो मतलब अगर इधर से लिया तो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा 1085, बाद में अगर आगे जाता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस सेट करके उसको आगे लेकर जाऊँ। लेकिन मैं इसको क्या है कि लॉन्ग टर्म में ले जाने के लिए नहीं बोलूँगा आपको। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें क्या है कि हौसला मिलेगा और ऐसी वीडियो और आगे लेके आएंगे। तो सो प्लीज़ यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा गुड बाय, जय हिंद।